गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 5 इन चैप्टर 3। योर एक्सरसाइज 5 इज ऑन पेज नंबर 30। लुक एट हियर, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द गिवन पेयर ऑफ नंबर एंड राइट द एप्रोप्रिएट सिंबल। आपको इनके अंदर जो प्लेस होल्डर है, इनके अंदर आपको ये साइन जो है वो लगाने हैं, पुट करने हैं। ये साइन है ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट। आप इनके बारे में पहले से ही जानते हैं कि ग्रेटर देन का साइन कहाँ लगता है और लेस देन का साइन कहाँ लगेगा एंड इक्वल का साइन कहाँ लगेगा। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको बुक में ही करना है। यहाँ मैंने मैंशन कर दिया है डू इन बुक, तो ये आप बुक में ही करेंगे। क्वेश्चन 2 से हम लोग वर्कशीट के अंदर करेंगे और वो वर्क ही आपको आपकी नोटबुक में करना है। सो फर्स्ट योर क्वेश्चन जो भी है आपका, इसमें आपको पुट द करेक्ट साइन है। आपको ये देखना है कि किधर की साइड में बड़ी डिजिट और किधर छोटी डिजिट है। लुक एट हियर, हेयर इज 10037 एंड हेयर इज 9998। तो आप देख रहे हैं इधर 10,000 है, इधर 9,000 है। सो 10,000 इज ग्रेटर, सो आप ग्रेटर देन का साइन इधर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 109,050 एंड ऑन द अदर साइड 110,005। तो इधर 9,000 है, इधर 10,000 है। सो इजीली आपको पता चल रहा है कि 10,000 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, देन ग्रेटर देन का साइन आप इस तरफ करेंगे। मैनी मोर एग्जांपल गिवन इन दिस बुक। आप देखेंगे कि किधर ग्रेटर देन है, किधर लेस देन है, तो आपको उसी तरफ साइन करना है। लुक एट हियर, वन मोर एग्जांपल इज 7461376 एंड 7461376। आप देख रहे हैं दोनों ही डिजिट जो हैं वो सेम हैं, तो जहाँ दोनों डिजिट सेम होती हैं वहाँ आपको इक्वल का साइन लगाना है। वन मोर एग्जांपल इज 120,101 एंड ऑन द अदर साइड 121,001। तो आप देखेंगे कि इधर 101 है और इधर ओनली 1 है। इधर 120,000 है, इधर 121,000 है। तो आपको पता है कि 21 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन, देन ग्रेटर देन का साइन आपको इधर पुट करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप इजीली बुक में ही कर सकते हैं। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आप पहले भी कर चुके हैं, बट यहाँ पे ये जो डिजिट है ये बड़े थोड़ी लार्जेस्ट डिजिट है, मतलब बड़े में है, तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है और इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो ये क्वेश्चन हम वर्कशीट में करेंगे। सो कम इन वर्कशीट, योर वर्कशीट इज हियर। लुक इन द वर्कशीट, दिस वर्कशीट वर्क यू विल हैव टू डू इन नोटबुक। सो कम अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है कि आप सबसे पहले ये जो डिजिट है इनमें से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डिजिट स्मॉल है। इन सब में से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से डिजिट सबसे स्मॉल है। मैंने क्या किया, मैंने एक बार देख लिया कि कौन कौन से डिजिट है, फिर उनके अकॉर्डिंग मैंने इनमें जो नंबर है वो पुट कर दिए। लाइक यहाँ पे है 20,200, 22,020, 20,000, 20,000, 220, 20,000, 220, मतलब 220। अब आपको ये देखना है कि इनमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है। तो इसमें 20, 20, 22, 20, 20, तो आप देख रहे हैं जो 22 है वो तो ग्रेटर देन है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, तो इसे नंबर 5 करेंगे। नाउ सबसे नंबर 1 किसे करना है हमें देखना, सबसे छोटी कौन सी है। यहाँ पे 20,002 है, यहाँ 200 है, यहाँ 20 है, यहाँ 220 है। तो आप देख रहे हैं ये जो 2 वाली डिजिट है ये सबसे स्मॉल है, तो आप इसे 1 नंबर मार्क कर दीजिए। अब आपको इससे बड़ी देखनी है कि 2 से बड़ा क्या है। तो आप इधर देखेंगे इधर तो 200 है और इधर 220 है और यहाँ पे है 20 ओनली। सो सेकंड नंबर पे 20 कम्स फर्स्ट, 20 कम्स, देन थर्ड नंबर पे इधर 220 है, इधर 200 है, तो थर्ड नंबर पे 200 वाली होगी, देन 220 फोर्थ नंबर, देन लास्ट 22 फिफ्थ नंबर। सो आप ये नंबर इस तरह से लिख लो जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको कौन से नंबर पे क्या करना है। अब फर्स्ट नंबर पे मैंने यहाँ ये लिखा, सेकंड नंबर, देन थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर। इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। आप ये नोटबुक में मेंशन नहीं करेंगे, ये मैंने आपको ओनली समझाने के लिए किया है ताकि आपको अच्छे से, आप कंफ्यूज ना हो, आप पहले सारी डिजिट को अच्छे से देखें,
जो कॉमन डिजिट है फिर उनके अंदर देखें कब उनमें छोटा कौन है, फिर यहाँ एक बार नंबर लिख लें जिससे आपको और अच्छे से कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपका जो सेकंड वाला है वो भी इसी टाइप का है, यहाँ 50, 55, 55, 50, 55, तो आपको स्मॉल देखना है तो आप ओनली 50-50 वालों में ही देखेंगे। अब यहाँ पे तो है 55 और यहाँ है 550, तो ऑब्वियसली बात है कि वन नंबर ये होगा, देन सेकंड ये 50 वाला होगा। अब आपको थर्ड वाला देखना है क्योंकि यहाँ भी 55 है, इधर भी 55 है और इधर भी 55 है, तो आपको सबसे पहले 55,005 तो आपको यहाँ लिखना है। देन सेकंड नंबर पे आपको ये वाले डिजिट लिखने क्योंकि यहाँ ओनली 55 है, देन लास्ट में 505 कम्स। ओके, थर्ड भी आपका इसी तरह से आपको डिजिट आइडेंटिफाई करना है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हो उसे फर्स्ट नंबर, देन फिर उससे बड़ा सेकंड नंबर, देन उससे बड़ा थर्ड नंबर, देन उससे बड़ा फोर्थ नंबर, जो सबसे लार्जेस्ट होगा इन सारे डिजिट में वो आएगा सबसे लास्ट में। सो आपको असेंडिंग ऑर्डर समझ आए। आप मेरे वाला जो मेथड है आप ये यूज़ कीजिए, इससे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप एक बार नंबर लिख लीजिए और नंबर लिखने के बाद फिर इन डिजिट को लिखिए, तो ये आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। ओके, कम इन बुक, वी डू नाउ टू, वी विल डू अ थ्री। हमने अभी टू किया है, अब हम थ्री वाला करेंगे। थ्री में डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब ये असेंडिंग का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। डिसेंडिंग में आपको क्या करना है, पहले सबसे ग्रेटर लिखनी है, मतलब स्टार्ट जो होता है वो ग्रेटर से करना होता है और फिनिश जो होता है वो स्मॉल से करना होता है। सो कम इन वर्कशीट, योर क्वेश्चन इज हियर, असेंडिंग अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। योर फर्स्ट इज 10,039, 2,13,500, 1,60,940, 1,60,940, 27,960, ये आपके डिजिट हैं। आपको इनमें, क्योंकि अपन को डिसेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करना है, तो आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ा क्या है। वंस यू लुक हु इज ग्रेटर, आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर देन है। आप देखेंगे कि हमने यहाँ लैख में भी पढ़ा हुआ है, थाउजेंड से बड़ा होता है लैख, तो लैख वाली कौन कौन सी डिजिट है, दिस एंड दिस। अब यहाँ 2 लैख है, यहाँ 1 लैख है, अब हमें ग्रेटर देन से स्टार्ट करना है। सो 2 लैख वाली डिजिट पे हम 1 मार्क करेंगे, देन इस वाले डिजिट पे हम 2 मार्क करेंगे। अब हम आते हैं थाउजेंड वाली डिजिट पे। थाउजेंड वाली 3 डिजिट्स हैं, एक 10,000 है, 16,000 है एंड 27,000 है, तो आप देखेंगे कि इन दोनों से छोटा कौन सा हो सकता है। तो इन दोनों से छोटा ऑब्वियसली 27 होगा, देन 27 के बाद में 16, 16 के लास्ट में 10, तो 10 जो है वो सबसे स्मॉल होगा। तो जैसे मैंने यहाँ ऊपर इनका नंबर मेंशन किया है, आपको उसी तरह से यहाँ इन्हें राइट करना है, लाइक फर्स्ट नंबर पे दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये नंबरिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये सारा पैटर्न करना। Now we will do one more example of this question. 3,01,090, 29,678, 3,03,000, 2,69,090 and 31,107. इसमें भी आप वही करेंगे, सबसे पहले चूज करेंगे कि जो लैक में कौन कौन से डिजिट आ रही है। यहाँ आप देखेंगे लैक में 3 डिजिट आ रही है, 1, 2, 3। अब आप देखेंगे लैख में कौन सी बड़ी है, तो यहाँ 2 लैख है और ये दोनों 3 लैख्स के हैं। अब 3 लैख में भी सबसे बड़ी कौन सी है, 3 लैख यहाँ 1,000 है, यहाँ पे 3,03,000 है, तो 3,000 इज मोर देन दिस। सबसे पहले जो होगा वो 3,000, वो 3,03,000 कम फर्स्ट, देन दिस डिजिट कम सेकेंड, देन अब आपको 1,000 वाली देखनी है, 29, 26, 31, then 2 lakh comes third, then 31,000 fourth and 29 जो सबसे छोटी है वो लास्ट में। समझ आया आपको descending order? Now your question number 4, इसमें आपको क्या करना है, encircle the largest number among the given numbers। आपको यहाँ numbers दिए हुए हैं, आपको इसमें identify करना है कि कौन सा जो number है वो largest है और फिर उसे circle करना है। तो आप सबसे पहले ए में देखेंगे कि ए वाले में जो डिजिट दे रखे हैं आपको ये देखना है इसमें सबसे लार्ज कौन सा है, फिर उस पर सर्कल करना है। तो ये हम वर्कशीट में करेंगे। सो कम इन वर्कशीट, योर वर्कशीट इज हियर। आई
आई हैव रिटर्न क्वेश्चन हियर. फर्स्ट 1,300,000, 1,01,000, 1,297,000, 1,403,000, 1,960,000. आपको यहाँ देखना है इन सब में बड़ा क्या है. आप देख रहे हैं यहाँ 300 है, 297 है, 403 है, 960 है, बट यहाँ 1,000 है. सो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर, दिस इज लार्जेस्ट नंबर, सो सर्कल. वन मोर एग्जाम्पल इज 97,360, 1,00,000, 1,50,000, 1,50,000 and 1,01,000. आपको इसमें देखना है कि कौन सी ग्रेटर देन है. ऑब्वियसली दिस इज 1,50,000, सो सर्कल दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ओनली वंस. इसमें आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का आपको सबसे स्मॉल नंबर बनाना है, और नंबर बनाने के लिए आपको ये यूज करना है. इन डिजिट में आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है, इन डिजिट को ओनली 1-1 टाइम में आपको लेना है, और 1-1 टाइम लेकर इससे आपको एक स्मॉल नंबर बनाना है. सो कम इन वर्कशीट 5, 7 and 1. तो आप इससे छोटा नंबर बनाएंगे. देखिए स्मॉलेस्ट नंबर जब भी हमें बनाना होता है ना, आप डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए. डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते ही आपको स्मॉलेस्ट डिजिट मिल जाएगी, लाइक 1, then 5, then 7. तो ये आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बन गया है. अगर आप इससे और कुछ ट्राई करेंगे तो सबसे स्मॉल नहीं बन पाएगा. लाइक इससे आप क्या क्या बना सकते हैं, 1, 7, 5, बट 75 इज ग्रेटर देन ना, सो 1, 5, 7. तो आप स्मॉलेस्ट डिजिट जब भी लिखेंगे देन वी यू यूज असेंडिंग ऑर्डर. सेम वन मोर एग्जाम्पल इज 2, 0 and 9. आपको इनसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है. तो आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ 0 जो है वो सबसे स्मॉल है, बट 0 आप शुरू में नहीं लिख सकते. तो शुरू में आप स्टार्टिंग में आप लिखेंगे 2, देन 0 को आप मीडियम कीजिए, देन 9 लास्ट. ये भी असेंडिंग ऑर्डर जैसा ही है. तो इससे आपको स्मॉलेस्ट डिजिट मिल जाएगी, वो भी 3 डिजिट. 3 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट जो बन सकता है वो ये है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. जैसे आपने इनसे 3 डिजिट नंबर बनाया, इसी तरह आपको अब इन वैल्यूज से 4 डिजिट नंबर बनाना है. 4 डिजिट बनाने के लिए वही मैंने आपको बताया कि स्मॉलेस्ट के लिए आप असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करेंगे, और जब भी 0 आए उसे आप बीच में लिखेंगे. तो 1 यहाँ पे सबसे स्मॉल है, 1, सो 1 के बाद में आप 0 ले लीजिए, देन 3, 6. आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है. जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि डिजिट ओनली वंस, मतलब एक डिजिट को आपको एक ही बार यूज़ करना है. अगर आपने एक बार लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखना है इसे स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए. नेक्स्ट इज 4, 3, 7 and 5. आप देखेंगे यहाँ सबसे छोटा क्या है, 3, देन उससे बड़ा 4, देन 4 से बड़ा 5, देन 7. सो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं. तो जब भी आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, आप नंबर को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. तो आपको इसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, 3 डिजिट या और भी कोई नंबर दे रखे हो 5, 6 डिजिट के, तो आप आराम से अरेंज कर सकते हैं. क्वेश्चन 5 और 6 हम वर्कशीट में कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 3, 1, 0, 5, 7 ईच ओनली वंस. इसमें भी आपको एक क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, इन नंबर से ही बनाना है, इन नंबर को यूज़ करके बनाना है, और जो नंबर आप यूज़ कर रहे हैं वो एक ही बार आना चाहिए. सो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप डिजिट लिख देंगे जो भी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, और स्मॉलेस्ट है तो आपको मैंने आपको पहले बताया कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा. 1 first, देन 0 second, देन 3rd, देन 5th, 4th एंड 7 last. तो ये आपका स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 2 and 7 रिपीटिंग 7 2 times. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है. अब 3 डिजिट नंबर बनाना है, बट इसने डिजिट ओनली 2 ही दे रखी है, 2 and 7. बट इसने आगे ये लिख रखा है कि आप जो 7 है ना, इसको 2 times आप रिपीट कर सकते हैं. मतलब 7 को आप 2 time रिपीट करके और 2 के साथ एक स्मॉलेस्ट डिजिट आपको बनानी है.
सो यह आंसर क्या, आपका आंसर होगा 277, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन अपन बना ही नहीं सकते, क्योंकि 2 जो है आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो 2 कम फर्स्ट। अब यहाँ पे इसने ओनली 7 के लिए ही बोल रखा है कि जो 7 है आपको उसी को रिपीट करना है, तो 7 को 2 टाइम लिखेंगे तो दिस इज 77। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो सेम इसी पैटर्न का है, जैसे यहाँ आपने 7 जो है उसको 2 टाइम रिपीट किया था, यहाँ आपको 5 को 2 टाइम रिपीट करके एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है। सो सेम पैटर्न है, ये हम क्वेश्चन वर्कशीट में नहीं ले रहे हैं इसलिए मैंने इसे क्रॉस कर दिया है। नाउ कम ऑन सी, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 582, रिपीटिंग 82 टाइम्स। यहाँ आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, बट आपको यहाँ पे ओनली 3 डिजिट दे रखी है, लेकिन आपको ये बोल रखा है कि जो 8 है उसको आपको 2 टाइम्स रिपीट करना है। 8 को जब आप 2 टाइम रिपीट करेंगे तो आपको 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा। सो कम इन वर्कशीट। सो इससे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, सबसे पहले आप 2 राइट करेंगे, देन आफ्टर 5, देन 88। यहाँ हमने 88 इसलिए किया है क्योंकि हमें 8 को ही 2 टाइम्स रिपीट करना था। सो दिस इज योर स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो 8 है उसका एक डी भी है, जो डी होगा वो सी वाले की तरह ही सेम पैटर्न है, सो वो भी मैंने कट कर दिया है बुक में। लुक, बी एंड डी मैंने कट कर दिए हैं क्योंकि ये सेम पैटर्न के हैं, क्योंकि ए की तरह बी होगा और सी की तरह डी होगा, सो ये मैं नहीं ले रही हूँ, ये आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9, राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ओनली वंस। आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है और एक डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, जैसा कि इसने बोल रखा है। सबसे पहले है 349, ये सारे क्वेश्चन अभी आप ऊपर जैसा आपने ऊपर किए हैं उसी टाइप के हैं, बट ऊपर आपने स्मॉलेस्ट किए थे, नीचे आपको ग्रेटेस्ट करने हैं। लाइक ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, 6 था, इसमें आपने स्मॉलेस्ट नंबर किए थे, बट क्वेश्चन 9 और 10 में आपको ग्रेटेस्ट नंबर करने हैं। 9 में आपको 3 डिजिट वाले करने हैं और 4 में आपको 10 में आपको 4 डिजिट वाले करने हैं। सो कम इन वर्कशीट, लुक एट हियर, योर डिजिट इज 349। जब भी आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे देन यू यूज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले आपको सबसे बड़े से स्टार्ट करना है, तो आप देखेंगे इन्हें सबसे बड़ा क्या है, 9, देन 9 से छोटा 4, देन 3, दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ग्रेटर नंबर लिखने के लिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर यूज करना पड़ेगा। लुक एट हियर, यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, आपको ये दे रखा है, आपको इसको वापस डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो आपको 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12, इन दोनों का पैटर्न भी सेम ही है, जिस तरह से आपने जो ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं सेम वही पैटर्न है। सो योर एक्सरसाइज 5 फिनिश, योर चैप्टर 3 फिनिश। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।